गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं सुनील और आज हमारा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लेक्चर नंबर फोर आज हम बात करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में क्या होता है प्लांट लेआउट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्लांट लेआउट के और कितने टाइप का होता है प्लांट लेआउट सबसे पहले मैं प्लांट लेआउट को एक लेमेंस लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूं कि वो क्या होता है बच्चों अगर आपको कहीं पे अपना मकान बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे प्लॉट परचेज करोगे प्लॉट परचेज करने के बाद क्या करोगे आप उसका एक नक्शा बनवाते हैं हम मकान का क्या करवाते हैं एक नक्शा प्रिपेयर करवाते हैं मतलब यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होगी तो ये पार्किंग स्टैंड यहाँ पे होगा अंदर किचन कहाँ पे होगा वॉशरूम कहाँ पे होगा बेडरूम कहाँ पे होगा हम हर एक पॉइंट को डिसाइड करते हैं करते हैं ना तो जैसे हम अपना एक नक्शा तैयार करते हैं वैसे ही हम अपनी वर्कशॉप के अंदर प्लांट लेआउट तैयार करते हैं किस जगह पे कौन सी मशीन को प्लेस करना है कहां पे आदमी बैठेंगे कहां पे रॉ मटेरियल कहां पे होगा फिनिश प्रोडक्ट कहां पे होगा तो हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे में कहां प्लेस किया जाएगा उसका जो एक ब्लॉक डायग्राम होता है एक रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को हम बोलते हैं प्लांट लेआउट चलिए जानते हैं सबसे पहले प्लांट लेआउट क्या होता है प्लांट लेआउट तीन डिफरेंट डेफिनेशन मैंने लिखी हैं जिसका सिमिलर सा मीनिंग आता है तो पढ़ते हैं उनको प्लांट लेआउट इज जमेंट ऑफ मशीन वर्क एरिया एंड सर्विस एरियाज विद इन ए फैक्ट्री किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री के अंदर प्लांट के अंदर अरेंजमेंट ऑफ किसका मशीन का वर्क एरियाज का सर्विस एरियाज का प्लांट लेआउट बोलते हैं आगे चलते हैं प्लांट लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ फैसिलिटीज फैसिलिटीज क्या बोल रहे हैं मशीन्स इक्विपमेंट्स विच मेक द प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी हम फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट क्या कहलाता है प्लांट लेआउट कहलाता है नेक्स्ट क्या कह रहा है प्लांट लेआउट क्या है प्लानिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन एन इंडस्ट्री किस किस की बात कर रहे हैं इक्विपमेंट्स की मशीनरी की फर्नीचर की फिटिंग्स की ऑफिस की रेस्ट रूम की वेयर हाउसेस की तो इंडस्ट्री के अंदर या प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए इक्विपमेंट भी होंगे मशीनरी भी होगी फर्नीचर भी होगा भी होंगे रेस्ट रूम भी होंगे तो उन सब का क्या है अरेंजमेंट है कहां पे कौन सी चीज कितना स्पेस लेगी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इज टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मेटेरियल इन द प्लांट अब वर्कशॉप के अंदर हमें डियर क्या करना होता है हमें काम करना होता है क्या करते हैं हम रॉ मेटेरियल से और फिनिश प्रोडक्ट तक हम अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या चाहते हैं मशीन और मैन का जो मूवमेंट हो वो मिनिमम होनी चाहिए वो हमारा बेस्ट लेआउट होता है बेस्ट प्लांट लेआउट होता है समझ में आ गया होगा कि प्लांट लेआउट क्या होता है अरेंजमेंट होती है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं वर्कशॉप बोलते हैं या अपना प्लांट बोलते हैं किसकी अरेंजमेंट मशीन की वर्क एरिया की और सर्विसेज की सबकी अरेंजमेंट कौन सी चीज कहां पे होगी उसको हम क्या बोलते हैं प्लांट लेआउट बोलते हैं अब हम कहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है क्या स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट लेआउट क्या होना चाहिए भाई देखो किसी भी इंडस्ट्री किसी भी फर्म का पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रोफिट या आप कह सकते हो मिनिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट कम से कम पैसे लगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी प्रोडक्शन हो जाए ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्लांट लेआउट का उसके अलावा जो दूसरे हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं मिनिमाइजिंग हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंश्योरिंग ओप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मेटीरियल इक्विपमेंट एंड अवेलेबल स्पेस अचीविंग गुड वर्क फ्लो मिनिमाइजिंग डिलेज एंड बोटलैक्स इन द प्रोडक्शन सिस्टम Ensuring safety of workmen by minimizing and eliminating the chances of accidents. बहुत जनरल चीजें हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए प्रोवाइडिंग फॉर इफेक्टिव सुपरविजन एंड प्रोडक्शन कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग टू द चेंजिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट तो ये हमारी क्या जाती है ये क्या है ऑब्जेक्टिव है हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव है किसके प्लांट लेआउट के भाई कम से कम मूवमेंट होनी चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर मैं अपने लेआउट को चेंज करना चाहता हूं किसी सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं तो उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए सुपरविजन बेस्ट होना चाहिए कि मैं एक जगह खड़ा होकर मैं सबको ऑब्जर्व कर सकूं कौन सा वर्कर काम कर रहा है कौन सी मशीन खाली है जो डिले होगा वो मिनिमाइज होना चाहिए मतलब आइडियल पीरियड जीरो होना चाहिए कम से कम होना चाहिए तो ये कुछ चीजें हैं क्या है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट लेआउट इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट मेनली हम चार तरह के प्लांट लेआउट डिस्कस करते हैं फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट, दूसरा प्रोडक्ट और लाइन लेआउट थर्ड फिक्स्ड पोजीशन लेआउट और नेक्स्ट हमारा क्या है ग्रुप लेआउट एक वन बाय वन हम सभी को स्टडी करते हैं पहले पे चलेंगे हम पहले फंक्शनल लेआउट, फंक्शनल लेआउट और प्रोसेस लेआउट मतलब फंक्शन कौन कौन से होने हैं इन दिस टाइप ऑफ लेआउट इसकी हम बात कर रहे हैं क्या इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मशीन्स आर नॉट अरेन्ज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बट द अरेन्ज अकॉर्डिंग टू द नेचर और टाइप ऑफ द ऑपरेशन दिस लेआउट इज कॉमनली सुटेबल फॉर नॉन रिपीटेटिव जॉब्स मतलब मतलब हमें कौन कौन से ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन नहीं है टाइप ऑफ ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं मतलब भाई कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ जैसे एक जगह हमने लेथ मशीन रख दिया है एक जगह हमें हमने ग्राइंडिंग मशीन रख दी है एक जगह हमने मिलिंग मशीन रख दी है एक जगह हमें ड्रिलिंग मशीन रख दी है मतलब क्या है हमने हर एक मशीन का अपना एक ब्लॉक बना दिया है फोर्जिंग सेक्शन यहाँ किया फाउंड्री सेक्शन यहाँ किया मिलिंग सेक्शन यहाँ किया ग्राइंडिंग सेक्शन यहाँ किया तो हर एक जो सेक्शन बनाया अलग अलग बना दिया हर एक अलग अलग मशीनिंग के लिए या हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए एक सेक्शन बना दिया अब मेरा रॉ मेटेरियल यहाँ से स्टार्ट होगा और फिनिश यहाँ पे जाके होगा तो मुझे क्या करना होगा भाई पहले मैं जब जिस भी सेक्शन में मुझे जाना है तो मेरा प्रोडक्ट जाएगा पहले मुझे फोर्जिंग में जाना है तो यहां गया फिर ग्राइंडिंग करवाया फिर मिलिंग करवाया फिर ड्रिलिंग करवाया तो जो भी प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसके सेक्शन में जाता रहेगा और फाइनल प्रोडक्ट मेरा फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट लेआउट के अंदर क्या होता है यहां पे होता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वहां पे क्या था टाइप ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग थी जो अरेंजमेंट थी मशीन की वो टाइप ऑफ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग थी और यहां पे क्या है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इसको लाइन लेआउट भी बोला जाता है क्यों भाई पहले मुझे टर्निंग करना है फिर 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 ड्रिलिंग करना 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 है फिर करना है फिर करना है फिर करना है मिलिंग ग्राइंडिंग बोरिंग मतलब जो भी ऑपरेशन होना है जो सीक्वेंस आने हुआ है वो मशीन मैंने लाइन में अरेंज कर ली है रॉ मेटेरियल मेरा यहां था और मुझे कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं किसी दूसरे सेक्शन में लाइन में मशीनें लगी हुई हैं ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और बाहर मेरा फिनिश प्रोडक्ट निकल जाएगा इससे पहले वाले में क्या था मेरे प्रोडक्ट को घूमना पड़ रहा था अलग अलग सेक्शन के अंदर फोर्जिंग सेक्शन में गया मिलिंग सेक्शन में गया ड्रिलिंग सेक्शन में गया मुझे अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मुझे जाना पड़ रहा था जैसा ऑपरेशन है मुझे जैसा मुझे ऑपरेशन करना अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसी सेल में मुझे जाना होगा और यहाँ पे क्या है मेरी जो ऑपरेशन की जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और वहां पे मैं क्या करूंगा एक लाइन के अंदर फ्लो करेगा रॉ मेटेरियल से लेके और फाइनल प्रोडक्ट तक इसको हम बोलते हैं लाइन लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट आगे चलते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट नाम से पता चलता है फिक्स्ड पोजीशन भाई जो भी कुछ होना है एक ही जगह पे होना है फिक्स्ड पोजीशन है इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मेजर कंपोनेंट रिमेंस इन द फिक्स्ड लोकेशन एक ही लोकेशन पे रहते हैं अदर मटेरियल्स पार्ट्स टूल्स मशीनरी मैन पावर एंड स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स आर ब्रॉट टू द लोकेशन मतलब भाई जो मेन पार्ट है ना वो तो एक ही जगह रहेगा वो तो एक ही जगह रहेगा और बाकी जो चीज़ होंगी वो उसकी सराउंडिंग में घूमेंगी जैसे हमारा शिप बनाते हैं यार एरोप्लेन बनाते हैं या हमारे बॉयलर्स बनाते हैं टर्बाइन बनाते हैं जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो हमें जो एक मेन पार्ट लेना होता है वो बहुत बड़ा लेना होता है तो हम उसको मशीन के चारों ओर नहीं घुमा सकते हम उसको फिक्स रखेंगे और मशीन के जो इक्विपमेंट है, है वो घूम घूम के उस पर मशीनिंग करेंगे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो करेंगे इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड पोजिशन लेआउट क्योंकि जो मेजर पार्ट है वो फिक्स रहता है बाकी इक्विपमेंट्स क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं द मेजर कंपोनेंट और बॉडी ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स इन ए फिक्स्ड पोजिशन जैसे मैंने आपको बताया बिकॉज इट इज ए टू हैवी और टू लार्ज और टू बिग एंड एज सच इट इज इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंस टू ब्रिंग द नेसेसरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू द वर्क प्लेस अलॉन्ग विद द मैन पावर भाई मैन पावर के साथ क्या करेंगे मशीन मटेरियल सब कुछ उसके पास आएगा मेजर कंपोनेंट के पास और बाकी वो जो मेन पार्ट है वो कहा रहेगा फिक्स रहेगा एग्जाम्पल इसके यहाँ पे लिख रखे हैं ब्रॉयलर्स हैं हाइड्रोलिक्स हैं स्टीम हाइड्रोलिक और स्टीम टर्बाइन हैं शिप हैं तो ये क्या है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के एग्जांपल हैं इन पार्ट्स को अगर हमें बनाना है तो कैसा हमें ले यूज करना होगा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट हमें यूज करना होगा आगे चलते हैं ग्रुप लेआउट जो हमारे प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट है उनके दोनों के बेनिफिट्स को लेते हैं इन दिस टाइप ऑफ लेआउट वी टेक एडवांटेज ऑफ बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट मतलब हम सेल भी बनाएंगे और लाइन में करेंगे काम मतलब प्रोडक्ट किसके अंदर था भाई लाइन में किसके अंदर काम था एक सिंगल लाइन में प्रोडक्ट टाइप लेआउट के अंदर था और जिसके अंदर हमारे सेल्स के अंदर जाना था कौन सा था फंक्शनल था या प्रोसेस था इन दोनों की हमें क्या करना है एडवांटेजेस लेनी है मतलब मैं सेल भी बनाऊंगा मुझे सेल भी बनाना होगा लेकिन सेल मैं इस तरह कंस्ट्रक्ट करूंगा कि वो सारे एक लाइन में बन जाए सेलर मैन्युफैक्चरिंग मशीन आर ग्रुप्ड इन द सेल्स एंडशन समवर्ट लाइक ए प्रोडक्ट लेआउट विद इन ए लार्ज शॉप और प्रोसेस लेआउट मतलब क्या है इसमें प्रोडक्ट का भी काम चल रहा है प्रोसेस वाला भी काम चल रहा है दोनों की एडवांटेजेस ली गई है ये थे हमारे कुछ मेनली चार तरह के लेआउट मतलब प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट फिक्स्ड लेआउट और ग्रुप्ड लेआउट। पहला हमारा क्या है सबसे पहले प्रोसेस लेआउट जो आपका टाइप ऑफ ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग सेल बना रखी है दूसरा हमारा लाइन लेआउट जो हमारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग मशीनरी को सेटअप किया गया है तीसरा है फिक्स्ड लेआउट जहां पे मेजर पार्ट को एक जगह रखा गया है मशीनरी घूम रही है चौथा हमारा ग्रुप लेआउट जहां पे हमें क्या करना है एडवांटेजेस लेना है प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का मतलब ये हाइब्रिड लेआउट आपका मिक्सड लेआउट आपका ठीक है बच्चों जब भी आप वर्कशॉप के अंदर पहली एंट्री करोगे ना बच्चों पहले ही दिन आपको बोला जाता है कि पहले आप जो वर्कशॉप में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना उसका लेआउट बनाइए और हमें बताइए प्रोडक्ट लेआउट है प्रोसेस लेआउट है तो तैयार रहना जब भी आप वर्कशॉप के अंदर एंट्री करोगे तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि यहां वर्कशॉप का आप लेआउट बनाइए ठीक है बच्चो आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा नहीं कुछ आया है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आई है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग ओके बाय बाय